Bismillahir Rahmanir Rahim. Today topic is VLSM, variable length subnet masking. Isko hum log subnet of subnetting bhi kehte hain. Chalein, let's start this. Achha, first of all, you have to remember two things. Ek hai FLSM aur dusra hai VLSM. Theek hai? FLSM fixed length subnet masking aur VLSM variable length subnet masking. ठीक है FLSM में क्या होता है कि ये दोनों में डिफरेंशिएट किया गया है मैं हम लोग इसको देख लेते हैं ऑल सबनेट्स आर इक्वल इन साइज यानी कि जितने भी सबनेट्स बनते हैं वो एक साइज के ही होते हैं ठीक है जैसे कि हमने लास्ट जो सबनेटिंग की वीडियो की उसके अंदर हम लोगों ने देखा है ठीक है इसमें क्या होता है जी VLSM में क्या होता है दूसरी तरफ VLSM में सबनेट्स आर वेरिएबल इन साइज अच्छा ये वेरिएबल होते हैं डिफरेंट साइज में ठीक है फिर all subnets have equal number of host इसमें क्या है जी कि equal number of host होते हैं यानी कि 64 की जैसे हमने last time किया था अच्छा इसमें क्या होता है जी VLSM में subnet have variable number of host यानी depend करता है कितनी requirement है उस हिसाब से आप उसको change कर सकते हैं all subnets use same subnet mask अच्छा जैसे last में देखा होगा हम लोगों ने same में जो subnet mask use किया था वो 192 का था क्योंकि 64 की हम लोग होस्ट निकाले थे हम लोगों ने 64 के होस्ट निकाले थे अच्छा यहाँ पे क्या है सबनेट यूज डिफरेंट सबनेट मास्क यहाँ पे डिफरेंट सबनेट मास्क यूज होता है ठीक है इट इज इजी टू कॉन्फ़िगरेशन हाँ ये बहुत इजी होता है क्योंकि ये हायरार्किकल होता है सारा का सारा इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स होती है डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट होती है ठीक है इट वॉज अ लॉट ऑफ इसमें काफ़ी IP लॉस हो सकते हैं वेस्ट हो सकते हैं ठीक है अच्छा इसमें वेस्टेज नहीं है IP इसकी ठीक है VLSM के अंदर अच्छा इसमें क्या जी इट इज़ आल्सो नोन एज बिल्कुल ऐसे क्लास फोर सबनेटिंग भी नोन किया जाता है बट कंसिडर नहीं करते अच्छा ये जो है इट इज़ आल्सो नोन है क्लासलेस सबनेटिंग में ही आता है ठीक है फिर इट्स सपोर्ट बोथ क्लास फोर अच्छा इसमें देखिए क्लास फोर सबनेटिंग भी होती है एंड क्लासलेस भी होती है राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है इट्स सपोर्ट्स ओनली क्लासलेस जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उन्हीं को VLSM सपोर्ट करता है ठीक है ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं VLSM के अंदर सबनेटिंग कैसे होती है ओके सेम सिनेरियो लास्ट टाइम जो था वो लेके चलेंगे लेकिन इस दफ़ा IP जो है वो डिफरेंट है ठीक है ये हमें नेटवर्क दे दिया गया 200.20.1.0/24 का यानी कि /24/24th ऑफ जो IP है उसकी जो बिट्स है 24th वहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं रिमेनिंग जो 24 होंगे वो हमारा नेटवर्क पार्ट हो जाएगा रिमेनिंग जो 8 बिट्स होंगी वो हमारी होस्ट होंगी जिसके अंदर हम लोग प्ले करेंगे ठीक है और 200 क्लास सी का IP है ठीक है अच्छा दिस टाइम IT डिपार्टमेंट जो है वो उसको 112 IPs चाहिए ठीक है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को 31 IPs और HR डिपार्टमेंट को 30 IPs इस सिनेरियो को लेके मैं चलूँगा नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ओके एक लास्ट टाइम जो मैंने आपको टेबल में बताया था उसी टेबल को ही हम मेंटेन करेंगे वन से स्टार्ट करेंगे जिसमें नेटवर्क होते हैं सारे एक नेटवर्क हो सकता है 2, 4, 8, 16, 32, 16 और 64/128 हो सकते हैं इसी तरह रिवर्स में ले लेंगे उसमें होस्ट IPs आ जाएंगे ठीक है वो हम 1, 2, 4 रिवर्स में सारी आ जाएगा ठीक है इसमें क्या अगर 8 नेटवर्क है उसमें ईच नेटवर्क के अंदर 32 होस्ट हो सकते हैं ठीक है अगर 4 नेटवर्क्स होते हैं तो 64 होस्ट हो सकते हैं ठीक है और फिर हम लोग इसकी सबनेटिंग देख लेते हैं ठीक है CIDR वैल्यू /24 है /25 है /26 है /27 है /28 है ठीक है और /29 है ठीक है और /29 है इट्स मीन इसके अंदर 32 नेटवर्क बन सकते हैं और 8 जो है इसका होस्ट होंगे ईच सबनेट के अंदर 32 ठीक है एनीवे नेक्स्ट स्लाइड बस आपने ये जो टेबल है ये रिमेंबर रखना यानी कि इसको याद रखना ठीक है और हाँ जो लास्ट मैंने बताया था कि क्लास सी में जब करते हैं तो ये यहाँ पे जो लास्ट वन है ये पोर्शन जो होता है इस टेबल के अंदर यूज़ नहीं होता ठीक है ओके अभी हम लेके चलेंगे उसी तरह ही टेबल एक बना लेंगे ठीक है और यहाँ पे मैंने इस IT डिपार्टमेंट के 112 IP यहाँ पे लिख दी है फ्रांस के जो है 131 IP यहाँ पे और यहाँ पे मेंशन कर दी और इसी तरह हम लोग फिर सबनेटिंग करेंगे और ईच डिपार्टमेंट की नेटवर्क ID सबनेट मास्क ब्रॉडकास्ट ID IP रेंज और यूजेबल IPs कैलकुलेट करेंगे ठीक है और लिस्ट करेंगे यहाँ पे
टेबल हम यहाँ पे वही डिस्प्ले कर लेते हैं जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है, और इसी को देखते हुए हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग ये देखेंगे 112 आईपी कहाँ पे ले करते हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है। 112 आईपी कहाँ पे ले करते हैं जी? 112 आईपी आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे करते हैं, हाँ यहाँ पे 64 से ऊपर आता है, याद रखिएगा 64 से ऊपर आता है। तो कहाँ पे ले करते हैं? ये ले करते हैं 128 के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 128 आईपीज के यहाँ पे ले करता है, तो बेसिकली ये पोर्शन हम लोग उठाएंगे इस टेबल में से, ठीक है, दिस वन पोर्शन उठाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमारे पास 256 आईपी हैं जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, तो वो हम लोग सिर्फ दो ही नेटवर्क बना सकते हैं। एनीवे हम लोग पहले तो एक नेटवर्क बनाए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और याद रखिए कि सबसे बड़ा जो आईपी होता है, कोशिश करते हैं वहीं से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको उसकी सबनेट में उसका सबनेट निकालते हैं। अच्छा, वही फार्मूला 02255, क्योंकि हमारे पास स्लाइस 24 है, इसका मतलब 256 आईपीज है, जीरो से स्टार्ट होते हैं 255 तक चलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से उठाने हैं तो 128 है, बेसिकली 128 आईपी का पूरा ही होस्ट उठा लिया है, ठीक है, और इसके अंदर 0 to 127 आ गए। और जो फर्स्ट इसके अंदर होगा हमारा नेटवर्क आईडी, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। और फिर हम इसकी सबनेटिंग कैसे निकालेंगे, सिंपल वे, सबनेट मास्क निकालने के लिए कि जो 256 है उसमें से जो जितने होस्ट होते हैं जो हमने नेटवर्क उठाया सबनेट किया है, ठीक है, वो हमने माइनस कर दिए। जब माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो हमारी सबनेट वैल्यू आ जाती है, सबनेट मास्क की वैल्यू, और 255.255.128 हो गया, ठीक है। एंड देन इस तरह हम लोग अपना सबनेट मास्क कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट आईपी हमारा इसमें कौन सा है जी? इसमें जी 127 है। ये जो लास्ट आईपी है ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा, और नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, और इसलिए हमारे पास जो रेंज आएगी वो आएगी 1 to 126 तक आएगी, ठीक है। यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में जो आईपी देना शुरू करेंगे 1 से लेके 1 2 3 4 5 से 126 तक हम आईपी दे सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास यूजेबल आईपी है जो वो 126 हैं, ठीक है, जो यूजेबल है वो 126 होते हैं, ठीक है। 128 में से 126 होते हैं आईपी यूजेबल, क्योंकि दो तो आपके नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके अंदर कितने जी 31 आईपी चाहिए। जो जब 31 आईपी चाहिए तो क्या हम देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे 31 जो है वो 32 के अंदर आ रहा होगा। यहाँ पे एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक ये है कि 31 जो है बेसिकली हमें यूजेबल आईपी चाहिए। यूजेबल आईपी जब चाहिए तो वो हमें इसके अंदर प्लस 2 और करने पड़ेंगे, एक नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। तो बेसिकली हमें 33 आईपी चाहिए, क्योंकि 31 तो यूजेबल चाहिए हमें, तो यहाँ पे 33 आईपी चाहिए। तो 33 आईपी जब यहाँ पे देखते हैं तो ये 32 से अप है, ठीक है, 32 से अप है, तो बेसिकली वो इस कैटेगरी में ले करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ले करेगा, ठीक है। और सेम वे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पहले हम लोगों ने 128 निकाला था, ठीक है, जो यहाँ से 127 लास्ट आईपी था, उसके अंदर प्लस 64 ऐड कर लेंगे, ठीक है। 127 प्लस 64 191 बन जाएगा, ठीक है, और 64 आईपी ऐड किए हैं, सो बेसिकली 128 टू 191 तक आईपी आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला आईपी जो होगा हमारा नेटवर्क आईडी होगा वो 128 होगा, और उसका जो सबनेट कैलकुलेट करेंगे वो उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक, 256 में से माइनस जितने होस्ट होते हैं माइनस 64 होस्ट माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 192 आ गई, तो सबनेट मास इसका क्या आ जाएगा, 255.255.255.192। और आईपी जो है हमारा ब्रॉडकास्ट आएगा वो लास्ट वन आ जाएगा, 191 आ गया, ठीक है। एंड देन जो यूजेबल आईपी होंगे वो 129 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और 190 तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 128 फर्स्ट जो है वो नेटवर्क आईडी हो गया और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ठीक है। तो ये यूजेबल है, यानी कि जो आईटी जो फ्रांस डिपार्टमेंट आईपी देना शुरू करेंगे 129 से शुरू करेंगे, 130, 131, 132 सो ऑन 190 तक चलेंगे, ठीक है, और टोटल यूजेबल आईपी जो हमारे पास 62 आ गए। द सेम वे जो नेक्स्ट है एचआर डिपार्टमेंट, उसमें 30 आईपी चाहिए। जब 30 आईपी हम देखते हैं तो याद रखें कि 30 तो यूजेबल आईपी चाहिए, ठीक है, दो आपके क्या होंगे, आपका नेटवर्क आईडी और वो भी ऐड होंगे, तो बेसिकली ये 32 होंगे एचआर को चाहिए, ठीक है।
तो 30 कहाँ, 32 कहाँ ले करता है, 32 यहाँ पे ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस पोर्शन का, ठीक है, 32 को सेलेक्ट करेंगे। और सेम वे हम क्या करेंगे, जो लास्ट था 191 के अंदर, 191 के अंदर 32 आईपी प्लस कर देंगे, 191 के अंदर 32 प्लस करते हैं तो 223 तक हमारे पास आईपी आ जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। यानी कि 192 से 223 तक हमारे पास टोटल इसमें जो है वो बेसिकली 32 आईपीज उठाए हमने यहाँ से, ठीक है। अब इस सूरत में क्या होगा, 191 लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी था, इससे नेक्स्ट जो है 192 हमारा फर्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी एचआर डिपार्टमेंट का। और इसकी सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का क्या है, सेम वे 256 में से माइनस 32 कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 224 है, तो ये बेसिकली इसका सबनेट मास्क बन जाएगा 255.255.255.224, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईडी लास्ट आईपी इसी रेंज में जो था, ठीक है, 220.1.223, ठीक है, ये हमारा जो है इस रेंज का ब्रॉडकास्ट आईडी आ गया। तो हमारे पास जो यूजेबल आईपी आ गए, नेटवर्क आईडी 192 था, तो वहाँ उससे अगला जो 193 से स्टार्ट हो के 222 तक हमारे पास यूजेबल आईपीज आ जाते हैं, ठीक है। और जो 30 है हमारे पास, टोटल 30 आईपीज यूजेबल आईपीज आ गए, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे आप वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्किंग करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिफरेंट सबनेट्स उठाए हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमने स्लैश 25 की सबनेटिंग की है, स्लैश 26 की है और स्लैश 27 की है। फर्दर आप और कर सकते हैं, हमारे पास रिमेनिंग आई पीज हैं, ठीक है, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, स्लैश 28 की कर सकते हैं, इसी तरह स्लैश 29 की कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है इसमें हायरार्की सारा डिफाइन किया गया, ठीक है, पूरा का पूरा जो हम लोगों ने किया है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। जो 200.10.1.0/24 था, ये हमें नेटवर्क दिया गया था। इस नेटवर्क को अगर हम देखें, इसकी सबनेटिंग करें अगर, तो हम लोग करें FLSM यानी कि फिक्स वेरिएबल लेंथ के हिसाब से, तो फिर तो ये इस तरह होती हैं, ठीक है ना, हरारीकर होती है। मतलब अगर ये है, इसके दो पोर्शन हो सकते हैं, या तो दो पोर्शन यूज़ कर सकते हैं या चार पोर्शन यूज़ कर सकते हैं, या आठ की सबनेटिंग हो सकती है, आप आठ नेटवर्क्स बना सकते हैं, ठीक है, या 16 बना सकते हैं, और इसी तरह 32 बना सकते हैं, और इसी तरह 64 नेटवर्क्स के नीचे आ सकते हैं। इसके नीचे स्लाइड में नहीं आ रहे, वो फिर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने किया VLSM। तो VLSM की सूरत में हम लोगों ने पहले सबसे बड़ा नेटवर्क उठाया था, ठीक है, जिसमें 127 आईपी चाहिए थे, उस सूरत में हम लोगों ने ये नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया था, ये पोर्शन इसका, ठीक है ना, जो हाफ था आईपी जो हमारे पास टोटल 256 में उसे हाफ वो हमारे यूज़ हो गए, ठीक है। जब ये यूज़ हो गया, ये तो ख़त्म हो गए, रिमेनिंग हमारे पास 128 आईपी रह गए थे, उसमें से हम लोगों ने फिर सबनेटिंग की थी, तो हमें 64 आईपी चाहिए थे, 64 जो है स्लैश 26 के अंदर यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है ना, तो हम लोगों ने इसको चूज़ कर लिया था पोर्शन को, ठीक है, और हमने इसको यूज़ कर लिया, तो ये भी ख़त्म हो गए। रिमेनिंग जो हमारे पास आ गया जी, हमारे पास रिमेनिंग 64 और आईपी रह गए, उसमें से भी हमें 32 यूज़ करने थे, तो फिर हम लोगों ने जस्ट 32 यूज़ कर लिए। जब ये 32 यूज़ कर लिए, तो ये भी पोर्शन खत्म हो गया, एंड में स्लैश 27 यानी हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ 32 आईपीस रह गए हैं, ठीक है। इसको हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो 32 का हम लोग इस तरह हम लोगों ने सेव किए हैं आईपी। फिर फर्दर ये कि 32 के दो फर्दर बना सकते हैं, यानी कि 16 16 के दो नेटवर्क बना सकते हैं। इसी तरह फर्दर चले जाएँ तो हम लोग 8 8 के भी चार नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है, और 4 4 के 16 नेटवर्क बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। सो दिस इज़ द टोटल, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ओके, थैंक यू थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।